अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम तो सबने देखा होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे डेकोरेशन एक्वेरियम बनाएंगे। और चलें से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है ग्लास, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर हाइलाइटर के साथ जो है मैंने इसके ऊपर ड्राइंग्स बना ली हैं। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। सी, आपको पता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आपको जो पसंद आए आप उसके ऊपर बना सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेनर, आपका जो ग्लास है वो कितना बड़ा है। ग्लास के अंदर मैंने सोल्यूशन डाला है, कोई भी सोल्यूशन आप ले सकते हैं। मैंने जो सोल्यूशन डाला है ना वो स्लाइम सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे पास स्लाइम पड़ा हुआ था जो कि ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको यूज़ कर लिया जाए, और मैंने उसको ग्लास के अंदर डाल दिया। और ऊपर जो है ना वो मैंने प्लास्टिक का रैप कर लिया है। रैप करने के बाद मैं यहाँ पे पेंट्स कर रही हूँ फिशेस को, और आप कोई भी कलर के पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो पेंट यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट, और आप जो है ना कोई भी यूज़ कर सकते हैं पेंट, लेकिन वो पेंट यूज़ कीजिएगा जो कि वॉशेबल ना हो। तो क्योंकि पानी वाले हाथ लगते हैं, या डेकोरेशन पीसेस को हमने साफ़ करना होता है तो वो फिर वॉश हो जाएंगे तो सारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर मैं ग्लिटर पेंट ले रही हूँ। आप इस ग्लिटर पेंट को ना किसी भी कलर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे आप फिशेस के ऊपर कलर कर रहे हैं या फिर आप ग्रास बना रहे हैं। जो भी पेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर पेंट जो है आप वो ऐड कर लेंगे, उससे ये होगा कि आपकी ना शाइनिंग आ जाएगी उस पेंट्स के अंदर। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सी ग्रास, और मैंने इसी तरह से ड्राइंग की, और ड्राइंग करने के बाद मैं अब इसको ग्रीन कलर कर रही हूँ। ग्रीन ग्रास करने के बाद मैं इसके अंदर येलो शेड दे रही हूँ ताकि इसकी ओरिजिनल लुक आ जाए। नाउ आई एम मेकिंग सी रॉक्स। आप किसी भी कलर के सी रॉक्स बना सकते हैं, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्लू व्हाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ मेरा एक्वेरियम जो है वो रेडी हो चुका है। सो मच फॉर दिस, और आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।